denke mir irgendwann. So, das heißt. Mein Moment auf hier. Assalamu alaikum. I know ki main kafi der se aap logon se nahi mila aur maine bhi isliye sharam kar li, maine bola chalo aaj aap se milte hi hain. Well, it's 9 am aur abhi hum log ja rahe hain bahut dur. Aage ki story aapko mera aziz batayega. Say hi. And as you know, ki mera aziz kaun hai? Here it is. हेलो एवरीवन, दोबारा से आपकी खिदमत में. अच्छा क्या बोल रहे थे हम लोग? अच्छा बात यह है कि हम लोग आज जाके जा रहे हैं, ये बता दो बस. जी बस एक एडवेंचर करने जा रहे हैं, हमें मोबाइल चाहिए, कहीं से भी मिल जाए बस मोबाइल चाहिए. हम दैट इट द कंटेंट ऑफ द वीडियो इज मोबाइल. बिल्कुल मोबाइल चाहिए, तो मोबाइल लेने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं. पागल हो रहे हैं हम स्वर्गोदय जा रहे हैं मोबाइल लेने. थोड़ा सा ऊँची बोल रहे बस, ये काम ये है लोकल बस और इसमें ऐसी तरह जब नॉट अ लोकल बस, इट्स हाँ ये जहाज है, इसमें बैठ कर जो भी हम लोग ये हॉस्टेस बैठी हुई है साइड हमारे साथ, हमारे साथ मिस भी जा रहा है. तो खैर अभी हम लोग सीन हम लोग बता चुके हैं और अभी हम लोग निकल चुके हैं सरगोधा के लिए और आप लोगों से मुलाकात होगी हमारे लिए 4 hours, लेकिन आप लोगों के लिए जस्ट 4 seconds. It just 3, 2, 1. Okay, so finally हम लोग जो है वो सरगोधा एंटर कर चुके हैं और ज़हीम को इसमें कोई पास नहीं, इस वजह से ज़हीम थोड़ा सीरियस है. तो अभी हमें लोकल ट्रैवलिंग हो रही है, हमारे भैया हमें लेके जा रहे हैं जहाँ पे हमारी मंजिल पे, फाइनल मंजिल पे. तो भाई ये सोच रहे हो सीरियस भी अब जब गंदा से गोदा आता है, यही हालत है. नहीं वैसे आप लोगों से भी कहना चाहेंगे कि अगर आप लाइफ में कुछ डेयरिंग करना चाहते हैं तो आप और एडवेंचर करना ना, आप हमारी तरह सरगोधा आ सकते हैं के राजा बस पे. ये चीज़ ये इसने बहुत कमाल की बात बोली है, राजा बस पे आए आपको तोड़ फोड़ के ले खड़ा है, आपको कोई भी बीमारी है सबका हल इतना आप हिलेंगे कि. ये चीज़ सब मिलते हैं आप लोगों से हमारी लोकेशन पे. हमारे प्रिंस भाई हमें कह रहे हैं कि हमें इस कॉलोनी में कोई घर ले दे, हम इस वक्त मदीना टाउन में घूम रहे हैं जो कि हियर वी गो. हम लोग सरगोधा आए हुए थे एंड यहाँ पे हम लोग क्या लेने आए थे, ज़हीम ने बताया था कि हम लोग मोबाइल लेने आए हैं और तकरीबन कितने किलोमीटर बनता है हमारे घर से? 300 आई थिंक, 250 तो जरूर है, 270 लिखा आ रहा था लेकिन उससे आगे ही हम लोग आए हैं. मैं रिवर्स से आगे भी टाउन में आना और तुम लोग भी रिवर्स चलाना. अच्छा मैं क्यों रिवर्स चलूं? ये चीज ये देखो, ये देखे ना अब मजा आएगा. ओए हम लोग जा रहे हैं मदीना टाउन से बाहर एटीएम पे, वहां से पैसा. इस चीज को बाय करने के लिए पैसे की बहुत जरूरत है, पैसा तो पैसा चाहिए, पैसा लेने जा रहे हैं, पैसा ला के उनके मुंह पे उनको देने हैं. हाँ। और मोबाइल उन्होंने हमारे मुंह पे नहीं छीन के भावे ना फिर. तो अभी इसके बाद ज़हीम ने रोटी भी खिलानी है, अभी सुबह का नाश्ता किया इंशाल्लाह. रोटी मैंने फिर इसको पता है हुमायस रोटी खिलानी इसको 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 पता है हुमायस ने खिलानी है इंशाल्लाह, इसलिए बोलता जाता कि इसके नंबर बन जाए. हुमायस ने ओ प्रिंस उधर बेचारा पैसे लगा लगा के मर गया वो गरीब. एफ यू वैसे भैया से पूछ लो कि मैकडोनल्ड कहाँ पे है यहाँ पे. भैया मैकडोनल्ड कहाँ पे है? नज़दीक ही मेन रोड पे है इधर से. थैंक यू.
डोनाल्ड का भी पता चल गया है और यार एंगल को ये ऐसा देखे शक्ल में यार अब ना इसमें एंगल्स का मजा नहीं आना वैसे मुझे ना 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 अब मुझे मजा नहीं आ रहा ऐसी लग गया मैंने यूनिफॉर्म पहना हुआ सेम मुझे मुझे अब इस मोबाइल में एंगल्स का मजा नहीं आ रहा अब तो अब तरक्की हो गया मैं कुछ करना चाह रहा हूं नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा अभी क्या है ना कि हमारे भुक्कर को भूख लग गई थी और हमारा एक और उससे भी बड़ा भुक्कर है जिसको और भूख लग गई थी सो इस वजह से हम लोग आए हैं चिली चटनी पे आई डोंट नो कि ये कहाँ पड़ा लेकिन हम लोग आ गए हैं लेकिन पहुँच गए हैं और पीछे का सीन तो आप लोग चेक कर चुके हैं तो अभी खाना आ गया है खाना हम लोग खा लें उसके बाद मज़े क्या आए हाय हाय ने अभी खाया नहीं लेकिन मुझे लग रहा है कि काफ़ी मज़े क्योंकि वो डिलीशियस लग कलर से पता चल जाता है मिलते हैं फिर A few inches later. Okay, so अभी हम लोग जो है ना 1 किलोमीटर वहाँ से चल के एक नहीं 1.5 था तो वहाँ से हम लोग चल के इधर आए थे HBL में HBL से हमने पैसे निकलवाए हैं पैसे निकलवाने के बाद हमने कुछ खाया भी है और अभी हम लोग दोबारा 1.5 किलोमीटर जो है वो चल के जाएंगे वापस जाके पैसे देंगे और मोबाइल लेकर आएंगे जैम तुम क्यों इतने पीछे पीछे हो जैम Why are you so पीछे पीछे बस ठीक है Okay जी so finally कितनी बार बोलोगे बहुत बार बोलूंगा finally कितनी बार बोलोगे मोबाइल मिल गया finally खुशी अब दिल फोड़ने चाहिए तो फाइनली मोबाइल हमने ले लिया सरगोधा से और अभी हम लोग जो है वो घर के लिए निकले हैं और गाड़ी जो है वो बड़ी मुश्किल से मिली है तो यहाँ से अभी हम सीधा डायरेक्ट सियालकोट पहुँचेंगे और जैसे हम आप लोगों से सरगोधा में मिले थे इंडस्ट्री 2-1 वैसे ही हम मिलेंगे आप लोगों से सियालकोट में इंडस्ट्री 2-1 फाइनली हम लोग जो है वो सियालकोट आ गए हैं अपना शहर अपना होता है How's your feelings like? यार दिल गार्डन हो गया आपने शहर में आ गया अब यहाँ पे घर ना भी जा पाए तो है सारा शहर अपने How's your feeling? बहुत बुरा लग रहा है यार बुरा लग रहा है बहुत ज़्यादा हाँ इसका बस दिल करता है कि मैं बाहर रहूँ और घूमता रहूँ इस वजह से इसको बुरा लगे लेकिन आज के बाद खैर अभी हम लोग जो है वो हंगरील पे आए थे भूख लगी थी तो अभी कुछ खाएं पियेंगे उसके बाद घर जाएंगे ठीक ठाक एक लॉजिक नहीं समझ आया कि जाते हुए लाइक स्टॉप वाइज गए थे हम एक बस पे वहाँ पे स्टॉप वाइज मैं समझाता हूँ सवारियाँ चुक दे गए हाँ हर जिन्नी सवारियाँ जगह होंगी ना सवारी बिठाई जिन्हें जिथे जाना उन्होंने लाच लिया एंड सवारियाँ जरा ना चुक के लै गए साढ़े 4 घंटे लगे ने सानू ते आते हुए हम नॉन स्टॉप आया लाइक कहीं नहीं रुके और 5.5 घंटे लगे कुछ इस तरह का हाल और तो ये अगर लॉजिक किसी को समझ आए तो बता दे पता नहीं हो वैसे तो सब लोग कहते हैं कि जब हम कहीं से वापस आते हैं तो जल्दी घर पहुंच जाते हैं है ना सही सुना होगा तुमने लेकिन हम तो लेट पहुंचे यार लोकल जितना भी होता है ना ट्रैवल अब कुछ बेहतर होते हैं जिस तरह डेवोर ये बड़ी बसेज वगैरह आई हुई हैं लेकिन मसला ये है सरगोधा से सियालकोट और सियालकोट से सरगोधा कोई जाती नहीं थी ना कोई डेवो ना कोई ब्लॉक ट्रैवल और कुछ भी बड़ी बस नहीं थी इसलिए हम जलील हो के आ चुके हैं वापस बस बस और इसी हालत के साथ अल्लाह हाफिज़ बस 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 आज इधर रोड होने वाले वो दिखाना वो भी अच्छा जी सो आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग दिस क्लिप मैं बेड पे जाने लगा था और मुझे याद आया कि मैंने आपको गुड बाय बोलना था वेल हम लोग घर आ चुके हैं सेफ एंड साउंड अल्हम्दुलिल्लाह अब शर्ट मैंने उतार दी थी मैं पहले सोच रहा था कि मैं शर्ट दोबारा पहनूं और फिर क्लिप बनाऊं लेकिन फिर मैंने बोला कि यार आप समझदार हैं आप समझ जाएंगे सो
So the thing is, Alhamdulillah for everything. तो होप सो कि आप लोगों को ये व्लॉग मज़े का लगा होगा. व्लॉग मज़े का लगा है, लगा ना? लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो. तो मैं मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में. अब रूटीन से अब आएगा मज़ा, रूटीन से आप लोगों से मिलने का. अब अम्मी का बाल वापस देना है. ओह थैंक्स टू अम्मी, उन्होंने मुझे अपना बाल इतनी देर दिया. तो खैर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में. ख्याल रखिएगा, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में. यार मैं कितनी दफ़ा बोलूँगा मैं मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में. टिल देन अल्लाह हाफिज़.